एंटरटेन के नाम पर जो है क्या किया परोसा जाता है हमारे सामने, ये जो को ये तो इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तो बहुत ही अटैक था कि ये जो है कोई देखता है सुनता है ठीक है वाला कैमरा भी टूट गया गाइस और उससे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर की वो बात से साइकिल चला चला के कोई भी एज का आदमी होगा और वो रिटायर सुनेगा बराबर है ये जो वीडियो है कैरी मिनाटी करके एक यूट्यूब अब देखना इसकी टर्मिनोलॉजी स्क्रिप्ट जो होता है वीडियो का मैं आपको जो है कह रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं आ रही हूँ ना पी 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 लगा रखा है अरे भाग का रही है सुन तो इतनी देर कहाँ लगा दी कुशा को ना उल्टी हो रही थी शुरू तो होता है कि जिसको बोलते हैं कॉमेडी से शुरू होता है कि तू उल्टी कर रही थी कभी कॉमेडी हो रही है किसी की किसी की जो है पैरोडी हो रही है हम थार में पहुंच चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष साइड है पीयूष साइड क्यों है तू बता प्लीज बता पीयूष पीयूष भाई साइड पीयूष 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 अबे पीयूष पीयूष क्या लगा रखा है पीयूष है नाम मेरा बचपन तो तूने कंटेंट बना बना के चोद दिया और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं सैड क्यों अबे जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग 7th में दो बार फेल हो चुका हूँ मैं तेरे चक्कर में मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है अबे रट्टा मारने के 500 रीटेक दिए थे मैंने उस रात मैं सो नहीं पाया अगले दिन एग्जाम में सो गया रिजल्ट आया पापा मम्मी ने कूट दिया और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई सैड इमोजी तू चूतिया वूतिया है क्या भाई ये आदमी है ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिजोर्टो फॉर्म वाला अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस हग रहा हूं मैं अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गई है और कि मैं सैड के हूं तो एक बात बता भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग जो इसको अब इसमें आप देखिएगा कि कौन से लेवल पे जो है लैंग्वेज जाती है और पीछे मेरी सब चल रहा है बीवी नंबर ही एक बीवी नंबर अरे यार एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन बीवी नंबर ही एक बीवी नंबर अरे यार एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती बीवी नंबर एक ये बीवी नंबर दो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे जिससे कि हर 5 मिलियन सब्सक्राइबर एड होने पे एक नई बीवी आएगी 6 घंटे में हमारे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो एक नया बच्चा अनबॉक्स होगा अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा वापस अंजू के साथ होगा या नहीं पांच चैन से दो बीवियां नहीं रख सकता है और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं एंचो थ्रीसम सुना है थ्रीसम अरे शान हो गया यार मैं कॉन्डम खरीद खरीद के तो चलिए शुरू करते हैं देखिए बस ये कॉमेडी जो है इसको बहुत से चीज नमस्कार दोस्तों पैसा ये देखो गरीब ब्लॉगर्स के लिए पैसा बहुत सारा पैसा ये देखो गाइस गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैया की मां चौधरी में ये देखो दोस्तों मेरे सोने के हीरे का कवर ये मैं गरीबों में बांट दूंगा ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके ये देखो दोस्तों मैंने सोने की पहनी हुई है आप तो बगला नहीं लग रहे हो ये बता रहे दोस्तों मैं चूते को भी खरीद सकता हूँ सब कुछ खरीद सकता हूँ पैसों में अंधा हो गया हूँ अंबानी दोस्तों वो भी सोने का है ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है जब सोना सोना लागे दोस्तों परिवार मोनू के फिंगर पे पहुंच चुके हैं काफी सारी लाइटिंग कर रखी है तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सौरभ आया हुआ है आंखें बंद तो गाइस आप देख सकते हैं यार गौरव भी आया हुआ है और गौरव भैया भी आया हुआ है अरे गौरव भैया कैसे हो तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है सौरभ क्यों नहीं होता तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे गौरव सौरभ चूतिए ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ मैं चलता हूँ अपने सोने की चप्पलों पे यूट्यूब का एड रेवेन्यू मैं देता हूँ चॉकलेट और
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता यहाँ एक मिनट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग, लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो, मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, मत चलो तुम लोग, आई एम द बेस्ट, मिलते हैं अगले शो। देखिए गाली का लेवल देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, जाहिर है कि भाई ये यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई वो सेंसरशिप का वगैरह वो सब फिल्म की तरह नहीं होता है, मगर आप लेवल देखिए, बहुत सारी पॉलिसी की डिस्कशन होती है मगर ये इसमें आप देखिए किस लेवल का जो है वल्गारिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वगैरह जो है कहाँ तक किया गया है, आप खुद ही जो है ना ये देख के आप तय कीजिए कि क्या ऐसा कंटेंट जो है हमारे लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही इरादा है कि हम कंटेंट के नाम पर कहां तक जा सकते हो और क्या क्या बता सकते हैं। अभी जाहिर है कि ये चीज जो है ऐसा नहीं है, हर उम्र का इंसान जो है ना देखेगा, ठीक है इसमें नॉट फॉर किड्स है वो किया होगा तभी तो इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो ये सब ये जो आता है ये सब, तो उसमें फायदा भी होता है इन लोगों को, ठीक है। मगर आप ऐसा सोच सकते हो कि ये कोई जो है कोई बच्चा जो है ठीक है टीनेजर वगैरह जो होते हैं वो सब नहीं देखेंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि एंटरटेनमेंट का माध्यम कोई भी हो, कॉमेडी हो पैरोडी हो कहीं भी हो, फिर वो टेलीविजन में हो या यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, इसमें लिमिट जरूरी है क्योंकि यही देख के यही चीज जो है टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगी, कल आने वाली नई पीढ़ियां जो है यही भाषा बोलेगी। अब सोचना आपको है सबको, ठीक है, फिर आप यूट्यूबर हो पेरेंट्स हो आप भी जो है ये सब वीडियो एंजॉय करते हो यूट्यूब के ऊपर एज ए व्यूअर जो है, ठीक है, सोचना आपको है। धन्यवाद।